प्रिय पिला माने मो चैनल को स्वागत। आज छुआ माने नवम श्रेणी रो आम गणित देखिबू। छुआ माने नवम श्रेणी आम कौन देखो छुआ माने गणित बीजगणित देखू। सेट सेट प्रक्रिया एवं सेट रो प्रयोग सेट विषय छुआ माने ऑलरेडी आम क्लास एट रे गणित रे देखिछु। राइट छुआ माने आ तार प्रयोग विषय एथर देखा है ना। ये तुम प्रथम अध्याय आउ ये एफ ए वन कस आस फर्माटिव वेगला फटाफट टे देखीद मैंने इंट्रोडक्शन दे देखा जब तुम्हें जोर्ज कांटर सेट्र प्रवर्तक अटंती आठरश पंचाश रु उन्नीस अठर से मतलब जीवन काल से तो बिना गणित शास्त्र विभिन्न विभाग जता जमीती बीजगणित कर्णशास्त्र है इत्यादि अवस्था ठीक से सेट तो गणित को सहज और सुंदर करें जटिल गाणितिक तत्व को सरल और सवलील भाव विश्लेषण करार मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। देख लाने टे देखा छो मैंने सेट और यार उपादान सेट तुम अच्छी मैंने अच्छा सेट मैंने तो पूर्व जाच सेट मैंने कौन सी उपादान समस्ट होता है जेपरी जदि मो फैमिली कहे तुम्हें जाप छो मैंने यठार बापा माँ भाई भी थे हाँ नहीं फादर मदर एम बापा माँ भाई भी चल हाँ कि अच्छा सेट सेट उपादान ए दुटीर संज्ञा ना सेट और सेट रो उपादान रो ए दुटीर संज्ञा ना ये परीक्षार पढ़े छ रख मात्र आम को सेट को एस और वस्तु जहाँ को एक्स लिखी सूचाईवा दरकार दिगले आम कहीपर जे एक्स उपादान से उपादान चिन्ह यही भाया चिन्ह को उपादान कह जाए है ना। आदि उपादान नुहे तो आम एक्स उपादान नुहे यही भाया आम लिखिपर सेट को प्रकाश करने दुईट प्रणाली व्यवहार कर सेगुड़क है तालिका प्रणाली आ गोटे है सूत्र गठनकारी प्रणाली है ना। ये तुम तालिका है ना गण संख्या सेट एन पर्यंत देखी है सूत्र पद्धति लिखले यटा को एक्स जेपरी एक्स एक गण संख्या एक रु बड़ छ पर्यंत आम लिखी पार्बा सशी मेटर असीम सेट सेट को आम दुई भाग रे विभक्त करी पारिबा गोटे सीम सेट ए सीम वार्ड रु आम जान पार्छ जो उपादान रे सीमित उपादान थे जो सेट्रे सीमित उपादान थे सीम असीम सेट्रु आम जापर चुमें जो सेट्रे असीम उपादान थे आम असीम सेट कह रईट जदि कौन सेट्र उपादान गुड़ी को गोटी गोटी कर गणिले गण प्रकार परिसमाप्ति घटे ना घटे तेज से संख्या सेट को सीम सेट कहुए यह पूरा मुखस्थ छुआ मैंने मान प्राक्ट कर मन रखा संज्ञा रू वार्ड रू आम सहजरे जापर अन्नपक्ष गण प्रक्रिया रे परिसमाप्ति घटले जदि घटुले असीम सेट कहुए परिसमाप्ति न घटे है न घटुले आम असीम सेट कह असीम ही मान अनलिमिटेड है एक ससीम सेट एर उपादान गुड़ी को संख्या को आम यह आकार लिखा एर कर्नालीटी एमती लिखा बा एन अफ एल भी आम लिखिपर है ना। एवं देखा छुआ मैंने शून्य सेट्रु आम जापर छु जो सेट्रे कौन सी उपादान न था नुए कि संज्ञा चो मैंने आशा कर भल छ मैंने मन रख जदि कौन सेट उपादान विहीन तेबे सही सेट को शून्य सेट कहा जाए है ना। ताको आम फाय आकार लिखू ना खाली कुटुल बंधन लेकिन छाड़देबू है ये है तुम शून्य सेट है मैंने बुझ पाइल शून्य सेट आ ससीम असीम सेट एक पूरा तुमने एगुड़ाक मन रख है ना। अन्नपक्ष गण प्रक्रिय परिसमाप्ति न घटुले उक्त सेट को असीम सेट कहते पूर्व ठीक है ना।
ताले जदि कौन सेट उपादान विहीन तेबे सही सेट को आमे शून्य सेट कही था ताको आमे एंती के लेखो हेराना उपसेटर संज्ञा याको भी मने रखिबो ए ओबी सेट दे मध्यरे जदि ए सेटर प्रत्येक उपादान बी सेटर उपादान होइताय तेबे आमे ए को बी सेटर उपसेट बोली कहिबा ताको आमे एंती लिखिबा हेगला ना मंडक एमती का देख ये ए फाय आउ ए मदर देखा हेला फाय हेबो ए रोटे फाय हेबो ए रोटे उपसेट शून सेट जेको सेट उपसेट अटे आजे निजर उपसेट मत होता है तेणु आम लिखा ए उपसेट ए लिखा एवं देखा भी नंबर दुटी सेट सामानता कौन सन कौन छुआ यह परीक्षा पड़े दुई सर समानता कंडीशन टी अलग अच्छा मैंने जदि ए हूँ बी रोसेट ए हूँ बी रोसेट आी हूँ ए रोसेट तो से कंडीशन आम एक्वल टू बी लिखि पार यह भल भाव छो मैंने मन दे मन रख ना मन रखा सेट्र सानता धर्म यहाँ हेला यहाँ भल भाव मन रखना एगुड़ाक सब मन रखा दरकार एवं आसवा छुआ मैंने व्यापक सेट व्यापक अर्थ ही हूँ दूर प्रसारी दूर बहुत बड़ा है आम जेकोसी एक आलोचन तो कथा विभिन्न सेट अभित्तिक उपादान इत्यादि संपर्क संस्पर्शे आसिले उदाहरण स्वरूप मनकर आमर आलोचना गणित पुस्तक मानक नहीं करीजगणित आसुच्छी अप्रयोग आस बीजगणित प्रयोग जमीती अप्रयोग आसुच्छी सरल गणित आसुच्छी गणित सोपान आसुच्छी त्रिकोणमिति आसुच्छी त्रिकोणमिति प्रत्यक्ष आसुच्छी ओडिया भाषा लिखित समस्त गणित पुस्तक मानकर सेट को आम जब एस कह इंग्राजी भाषा लिखित समस्त पुस्तक जदि आम ठीक कहवा से कंडीशन यही आलोचना को भित्तिक आम सेट कल्पना करवा या इ लिखि सूचाइबा जपरिक कौन सी गणित पुस्तक इ सेट्र उपादान हेबो एठार सरल बीज गणित देख उपादान इ बा आम एस पोसेट इ लिखिपर टी पोसेट इ लिखा कहीं एठार देख छुने इ भी आसुची एस रान है ना एस रही रोच टी भी हूँ तुम इ रान टी पसेट एस टी पसेट तार पसेट हो संज्ञा तुम मानक मन रखा संज्ञा तो तुम्हें जाच मैंने मन रख आमर आलोचना परिसर मध्य प्रत्येक सेट जदि एक निर्दिष्ट सेट सेट को व्यापक सेट कहते इ रो उपसेट किंबा कौन सी वस्तु एक निर्दिष्ट सेट इ रो उपादान हुए तेबे से सेट को व्यापक सेट कहते मोटामोटी भाव कहीदे आम ये एमती बुझीपरबू जे सपोज ये एमती का आम एटा को इ सेट करली एर गणित हो जाऊ है ये बी हो ये हूँ सपोज गणित ये है जमीति ताले सपोज ए रु बाहर को अच्छा गणित ये गणित हो आउ ये जमीति हो एम बाहर ये बाहर जो मैंने रही है से मैंने जेकोसी ए रे था बी था समस्त जी ते आराम से मुझे लिखिपारि इ भी ए रोसेट होटा को एस थे है एस थे एस रुपादान सपोज ए एका है आठार बी भी मुझे लिखिपारि कार उपादान एस रोसेट से क्षेत्र में ये है व्यापक सेट हम कहीं ये ए रि उपादान हो बी रि उपादान हो पार छुआ मैंने यहीपर यार ये सूत्र पूर्ण संख्या सेट रे आम एमती कर यहाँ को मन रखिपर ना एवं सेट प्रक्रिया आरंभ कर सेट प्रक्रिया आम एठार तीन प्रकार करुचु छुआ मैंने गोटे है संजोग आ गोटे है छेद आ गोटे अंतर ए तीन प्रकार को मन रख एगले छ माने संजोग को यूनियन कहा जाए आ अंतर को डिफरेंस कहा जाए
अक्षर को इंटरसेक्शन कह जाए। मैं देख एवं संजोग को आम देखा संजोग मान दुईट सेट रान रि रिपीट करबन। प्रथम तो संज्ञा तो मान मुखस्त कर ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये वेरी इम्पोर्टेंट है छुआ मैंने या को तुम्हें मन रख निश्चित भाव छुआ होगा ना ये भी अच्छी ए अभी सेट द्वय मदर या समस्त उपादान गुड़ी को नहीं गठित तो सेट को ए अभी सेट रोग कहा जाए या को ए संजोग भी द्वारा स्थित हुए है ना ताको आम सूत्रपत्र एमती लिख पार्बा है यार सूत्रपत्र संज्ञा सूत्र पद्धति सूत्रपत्र आम यहपर भाव में लिखिपर कौन पढ़ी पार अच्छा मैंने ए संजोग भी सामान लिख पार एक जेपरी एक्स उपादान ए बा एक्स उपादान ताले एटा रही टिके चेंज करते बार नेक्स्ट टाइम देखो छ माने आसी जीव छेद उपादान आसे जीव ना ताको बेन चित्र देखिबा ले देखो ये हला ए आ ये हला बी ए रो समस्त उपादान आ बी रो समस्त उपादान माने ए संजोग हे गेला ना ई आसे संजोग एटी संजोग कर के भी आमे उदाहरण रे देखिपर जो पाने साधारणत तो बेसी एट शिखी ना तापी देख जदि ए सामान दिहित छुआ मैंने ए बी आउ सी दिहि आट सामान हो डी सी एफ आउ जी ताले डी ई एफ आउ जी हो कहार बी सेट एवं ए संजोग बी काढ़वा एटार ए संजोग बी काढ़वा ताले ए रो समस्त उपादान एटार लिखा है ये ये ए ये बी ये सी लिखा है अनुरूप डी समस्त उपादान है रिपीट करवा ना है ना ताले मुझे डी एटार लिखली एटार इ लिखली एटार एफ लिखली एटार जी लिखली है समस्त को मुझे कौन कली छे लिखी ये ए रान है ये बी रान एवं संजोग कला बेल एक सब कुछ उतार देवी राइट ताले प्रथम ए अच्छी एटार मुझे ए लिखिदे एटार बी अच्छी मुझे बी लिखिदी एटार सी अच्छी एटार मुझे सी लिखिदी तपार डी अच्छी एटार मुझे डी लिख रिपीट है मुझे रिपीट करें थे लिखी एटार इ अच्छी मुझे इ लिखिदी एटार एफ अच्छी मुझे एफ लिखिदी अनुरूप भाव में एटार जी अच्छी एटार मुझे जी लिखिदी सब उतार दे हेले रिपीट कर भी ना ये तुम संजोग आशा कै छुआ मैंने संजोग बुझी पाईल उदाहरण तीन देखा ए सामान दिखाई एक दुई तीन आ चार राइट बी सामान दिखाई दुई चार छ आठ ए संजोग बी मैंने आगे एर उपादान उतारली एटा जहाँ लिखाई एटारे पूरा उतार दे दे ये संजोग चिन्ह लिखी जे ए संजोग चिन्हटा लिखी यूनियनटा लिखी एवं ये कौन अच्छे बी ताले बी उपादान किए दुई चार छटार मु दुई चार छटार उतारी देली एवं ये तार अंसर आसी मुझे संजोग करवा बेले आम कौन रिपीट करवा ना प्रथम तुम एक अच्छी है ना प्रथम एटार एक अच्छी एटार एक लिखाई तापर ये दुई अच्छी एटार भी दुई लिखाई जदि भी ये दुई अच्छी ये भी दुई एटी भी दुई अच्छी दुई जगार अच्छा दुई थे गोटे दुई लिखा देख छ मैंने तीन अच्छी है ना ताले मुझे एपटे तो तीन ना हेले भी मुझे तीन लिखी तापर एटार चार अच्छी एटार भी चार अच्छी हेले भी मुझे गोटे ही चार एटार लिखी ना तापर ये एक्सट्रा छठी छ भी लिखी एक्सट्रा ये आठ भी लिख मैंने सबुक एटिकार एटिकार लिखा हेले रिपीट करवा ना न रिपीट राइट चिल्ड्रेन यहाँ मन रखीद न रिपीट रिपीट करना एलिमेंट को केवी रिपीट करवा ना।
ଆଶା କରୁଛ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଠି ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଉଦାହରଣ ଚାରି ଦେଖିବା ଆମେ। ଏ ସମାନ ଦେଇଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍, ବି ଯେଉଁ ଅଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍, ଏ ସଂଯୋଗ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସଂଯୋଗ ବି କହିଲା ତାହେଲେ ଆଗରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏର ଉପାଦାନ ଲେଖିଲି ଏତିକି। ଏର ଉପାଦାନ କିଏ? ପି କ୍ୟୁ ଆଉ ଆର୍, ଏଇଟା ପି କ୍ୟୁ ଆଉ ଆର୍ ଲେଖିଲେ। ସଂଯୋଗ ହେଲା ଇଏର ଉପାଦାନ, ବିର ଉପାଦାନ, ଇଏ ହେଲା ପି, ଇଏ କ୍ୟୁ, ଇଏ ଆର୍ ଆଉ ଏସ୍, ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଲେଖିଲେ। ଏନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଆଗରେ ଉତ୍ତର ଦେବ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ପି ହେଲା ନା, ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ତୁମର କ୍ୟୁ, ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଆର୍, ମାନେ ସବୁକୁ ଲେଖିଲି ରିପିଟ୍ କରିଲି ନାହିଁ ହେଲା ଛମାନେ, ଆଶା କରେ ବୁଝି ପାଇଥିବ। ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ତଥ୍ୟ, ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ତାହେଲେ ଇଆର ତ ହେଲା ଏ ସଂଯୋଗ ବି ସମାନ ବି ହେବ ହେଇଗଲା ନା, କାହିଁକି ଏ ତା ତ ବିରୁ ସାନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିବ ହେଲା ବି ହିଁ ତିଆରି ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ବି ଉପସେଟ୍ ହେବ ହେଲେ ତାହେଲେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି ସମାନ ଏ ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ଏ ସହିତ ଏର ସଂଯୋଗ ଏ ଅଟେ ତାହେଲେ ଏ ସଂଯୋଗ ଏ ସମାନ ଏ ହେବ, କାହିଁକି ସେଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯିବ ସବୁ ଆସିଯିବ। ଶୂନ ସେଟ୍ରେ କୌଣସି ଉପାଦାନ ନଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ଏ ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗ ଅଟେ ତାହେଲେ ଏ ସଂଯୋଗ ଫାଇ ସମାନ ଏ ଆଉ ଏ ସଂଯୋଗ ବି, ଏ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତେଣୁ ଏର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏ ସଂଯୋଗ ବିର ଗଠିତ ରହିବ ତଥା ବିର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏ ସଂଯୋଗ ବିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା ଏ ଉପସେଟ୍ ଏ ହେବ ଆଉ ସଂଯୋଗ ବି, ଆଉ ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ହେବ ସଂଯୋଗ ବି ଲେଖିବା ହେଇଗଲା ନା, ଏହା ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ପୁଣି ସଂଯୋଗର ନିୟମରେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି ସମାନ ବି ସଂଯୋଗ ଏ, ସଂଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ତ ପାଳନ କରେ ତାହେଲେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି ସଂଯୋଗ ସି ସମାନ ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ସଂଯୋଗ ବି ସଂଯୋଗ ସି ହେଇଗଲା ନା। ଏଠାରେ ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ସମାନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ବି ସମାନ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ସି ସମାନ ଛଅ ସାତ ଆଠ। ଆଉ ଏବେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ହେଇଗଲା ନା। ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦିଏ, ଆଗରେ ବ୍ରେକେଟ୍ କାମ କର ବି ସଂଯୋଗ ସି, ଏ ସଂଯୋଗ ଆଗରେ ଲେଖିବ, ଏରେ ଲେଖା ହେଲା ଆଗରେ ଦେଖଛ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଏ ସଂଯୋଗ ବି କ'ଣ ବାହାର କରିବା ଆଗରେ ଏଠି ଏଇଟା ଏସ ମାନେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି ସଂଯୋଗ ସି କାଢ଼ ତାହେଲେ ଆଗରେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି କାଢ଼ା ହେଇଛି। ଏ ସଂଯୋଗ ବି ମାନେ ଏର ଉପାଦାନ ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏଠାରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ସଂଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ବି କୁହାହେଇଛି ନା, ତାପରେ ଏଠି ବି କୁହାହେଇଛି ନା, ଏଠି ବି ବି କୁହାହେଇଛି ବିର ଉପାଦାନ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇକି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଲା, ରିପିଟ୍ କରାହେଲା ନାହିଁ ରାଇଟ୍। ଏବେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି ହେଲା, ଏବେ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଛେଦ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଆସିଲା, ସେଟା ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଲା। ଯେ ସଂଯୋଗ କେତେ ଅଛି ସି, ସିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ଏଠାରେ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଲେଖାଗଲା ହେଇଗଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ମାନେ ସବୁଗା ଉତ୍ତାରି ଦେବ ହେଲେ ରିପିଟ୍ କରିବ ନାହିଁ ହେଇଗଲା ନା, ଆସିଲା ଏତିକି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟଟା ବି ସେଠି କାଢ଼ା ହେଇଛି ଆଗରେ, ବି ସେଠି କାଢ଼ିଲେ ବିର ଉପାଦାନ ଇଏ ସିର ଉପାଦାନ ଇଏ, ଛେଦ ମାନେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିବ ରାଇଟ୍। ସଂଯୋଗ 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 ତାହେଲେ ସବୁକୁ ଉତ୍ତାର ଦେଲେ ଏତିକି ଆସିଲା ହେଲା, ତାପରେ ଏ ସହିତ ଇଏ ସଂଯୋଗ କରି ହେଇଗଲା ଏତିକି, ଏମିତି ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ହେଇଗଲା ନା। ଆଶା କରୁଛ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଏବେ ଆମମାନେ ଛେଦ ଦେଖିବା, ଛେଦ ହେଲା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ, ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ତୁମର ଏହା। ଏ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଉପାଦାନ ହୋଇପାରିବେ ମାନେ କମନ୍ ଉପାଦାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିଥିବ ସେଟ୍ ଏ ଓ ବିର ଛେଦ କୁହାଯାଏ। ଏ ଓ ବିର ଛେଦକୁ ଏ ଛେଦ ବି କୁହାଯାଏ, ସଂକେତରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ଛେଦ ବିର ସୂତ୍ରବତୀ ହେଲା ଏହା ହେଲା, ଏକ ଯେପରି ଏକ ଉପାଦାନ ଏ ଓ ଏକ ଉପାଦାନ ବି, ଏଠାରେ ବା ଲେଖା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଠି ଅ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, କାହିଁକି ଦେଖ ଏ ସଂଯୋଗ ବିର ସଂଜ୍ଞାରେ ଦେଖ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ସଂଜ୍ଞାଟା
ଦେଖ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ ସେମାନେ ବା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ସଂଯୋଗ ବି ଆଉ ଏ ଛଦମିଚ୍ଛେଦ ବି ର ଚତୁର୍ବଦୀ ସଂଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି ମାନେ ଅର ଫରକ ରହିଛି ହେଲା। ଛେଦ ବି ସେମିତି ଗଛ ମାନେ ଏଠି ଏ ଛେଦ ବି କଢ଼ା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ଏର ଉପାଦାନ କେତେ ହେଲା ଏ ବି ସି ଲେଖା ହେଲା ଆଉ ବିର ଉପାଦାନ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଲେଖା ହେଲା ଏଠି ଲେଖା ହେଲା। ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ତାକୁ ଲେଖା ହେଲା ହେଲା। ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦିଅଛ ମାନେ ଏଠି ଏ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ବି ଏ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲେଖା ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠାରେ ଏ ଲେଖା ହେଲା ହେଲା ନା। ଅନୁଭବରେ ଏଠି ବି ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଲା। ଅନୁଭବରେ ଏଠି ସି ଅଛି ଏଠି ସି ଏଠି ସି ଅଛି ଏ ବି ସି ଲେଖା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାକି ଡି ଅଛି ହେଲେ ବି ଲେଖା ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଇଏ ଡି ନାହିଁ ହେଲା ନା। ଆଶା କରେ ଛୁଆମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛୁଆମାନେ ସେୟାର କରିଦିଅ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ସୂତ୍ର ବି ସେଇଭଳିଆ ଏ ଉପସେଟ୍ ବି ହେବ ଯଦି ତାହେଲେ ଏ ଛେଦ ବି ସମାନ ଏ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ବି ଉପସେଟ୍ ଏ ହେବ ହେଲେ ଏ ଛେଦ ବି ସମାନ ବି ହେବ ଆଉ ଏ ଛେଦ ଏ ସମାନ ଏ ହିଁ ହେବ ଆଉ ଏ ଛେଦ ଫାଇ ସମାନ ଫାଇ ହେବ ହେଲା ନା। ଏଇଭଳିଆ ଏଗା କ୍ରମ ବିନିମୟ ସହିତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ହେଲା ନା। ଆଉ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବା ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ଆଉ ସହଯୋଗୀ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଦେଖିପାରିବ ହେଇଗଲା ନା। ଏର ଉପାଦାନ ଦିଆହେଇଛି ଏ ବି ସି ବିର ଉପାଦାନ ଦିଆହେଇଛି ବି ସି ଆଉ ଡି ସିର ଉପାଦାନ ଏ ବି ସି ଡି। ଏବେ ତୁମକୁ କୁହାହେଇଛି କ'ଣ କାଢ଼ିବା ଛମାନେ ଏ ଛେଦ ବି ଛେଦ ସି ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଏ ଛେଦ ବି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏ ଛେଦ ବି ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏ ଛେଦ ବିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏର ଉପାଦାନ ଏଠାରେ ଲେଖିବୁ ତ ମାନେ କହ ସାର୍ ଏର ଉପାଦାନ କେତେ ଏ ଏ ବି ଆଉ ସି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ ଏ ବି ଆଉ ସି ମାନେ ଏଟା ଏଠାରେ ଉତାରି ଦିଆ ହୋଇଛି ରାଇଟ୍। ଦେ ଛେଦ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଛେଦ ଚିହ୍ନ ଏଟା ବି ଛେଦ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ବିର ଉପାଦାନ ଇଏ ହେଲା ବି ସି ଡି ଇ ଲେଖା ହେବ ହେଲା ନା। ତାହେଲେ ଏହାର ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ବି ସି ଡି ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଏମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜାଗାରେ କମନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ତୁମମାନେ କହ ଦୁଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛ ମାନେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଏଠି ବି ଏଠି ବି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ବି ଅଛି ରାଇଟ୍। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ସି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ସି ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠାରେ ବି ଥିଲା ଏଠାରେ ବି ଥିଲା ହେଲା ନା। ଏଠାରେ ସି ଥିଲା ଏଠାରେ ସି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଉ ସି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଲା। ବୁଝିହେଇଗଲା ସେମାନେ ଯଦି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ସେମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଏହାକୁ ପାଆନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ନା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସି ସହିତ ଏଠି ଛେଦ କରିବା ତାହେଲେ ଏମକ କେତେ ହେଲା ବି ଇ ଆଉଛି ଏଠାରେ ବି ଛେଦ ଲେଖା ହେଲା ବି ଆଉଛି ଏଠାରେ ଛେଦ ଚିହ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ଛେଦ ଚିହ୍ନ ଲେଖା ହେଲା। ସିର ଉପାଦାନ କେତେ ଛଅ ମାନେ ଏଠାରେ ସି ଚୁପାତ କିନ୍ ଅଛି ସିର ଉପାଦାନ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା। ଏବେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ କିଏ ରହିଛି ଦେଖିବା ହେଲା ଏଠାରେ ବି ଅଛି ଏଠାରେ ବି ଅଛି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏଠାରେ ସି ଅଛି ଏଠାରେ ବି ସି ଅଛି ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ସି ହିଁ ଲେଖା ହେଲା ହେଇଗଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ ଆଡ଼େ ଦେଖିବା ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଏ ଛେଦ ବି ଦିଆଗରେ ବି ଛେଦ ସି ଏଠାରେ ବି ଛେଦ ସି କାଢ଼ା ହେଇଛି ହେଲା ନା। ବି ଛେଦ ସି କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ବି ସେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେତିକି ହିଁ ଆସିବ ହେଇଗଲା ନା। ଏମିତି ତୁମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଏ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ଛୁଆମାନେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ସହଯୋଗୀ ହେଲା ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଦିଆହେଇଛି ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ଆରାମସେ କରିପାରିବ ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ। ଏବେ ଆସିବା ଅନ୍ତର ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯଦି ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତି ସେଟ୍ ତେବେ ଏ ସେଟ୍ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ଏ ସେଟ୍ ବିର ଅନ୍ତର ବା ଡିଫରେନ୍ସ କୁହାଯାଏ।
यार सूत्रपति एठार लेखा है याको मने रखिब याको भी तुम्हें मने रखिब माने याको तुम्हें मने रखिब हेगला संजोग सूत्र छेद सूत्र आ अंतर मन रखिब यार भेन्सित जदि बनेबो ए बढ़िया ए अंतर भी माने देखि पारब एटा ए रु बी गले गोला पर जहा रहिला कोन बोलला एगुडा रहिला ए साइडटा हेला ना अनुरूप पर एटा बी आ छेद करबे नले एमती बारे बारे रहिबे हेगला ना एटा भी देखबा ताले